आपकी स्क्रीन पर एक खबर सुर्खियों में है। पुणे में हुआ रोड एक्सीडेंट। तारीख 19 मई देर रात करीब 3 बजे एक तेज रफ्तार पोर्श ने बाइक को पीछे से टक्कर मारी। इस एक्सीडेंट में बाइक पर सवार दो लोग अश्वनी कोस्टा और अनीश अवधिया की मौत हो गई। आरोप है कि पोर्श को नशे में धुत एक 17 साल का नाबालिग लड़का चला रहा था। इस सीन में 3 किरदार हैं, पहला आरोपी और दूसरे और तीसरे वो दो लोग जिनकी जान गई। पर सोशल मीडिया तो सोशल मीडिया है, लोग सवाल उठा सकते हैं। 100 लोग कह रहे हैं कि देर रात तक एक लड़की घर से बाहर क्या कर रही थी, एक लड़की अकेले एक लड़के के साथ क्यों घूम रही थी, और ऐसे ना जाने कितने सवाल। हालांकि ये पहली बार तो नहीं है जब एक लड़की की मौत हुई और लोग सवाल भी उसी पर उठाने लगे, लेकिन सवाल भी तो दोनों तरफ होने चाहिए। क्या कोई अमीर है तो उसे किसी को भी कार से रौंदने का लाइसेंस मिल जाता है, और वो लड़का जो इतनी देर रात तक बाहर था उससे कोई सवाल नहीं। क्या कोई नाबालिग शराब के नशे में किसी को भी कार से उड़ा सकता है। एक माइनर को शराब दी गई, वो पेरेंट्स जिन्होंने बेटे के ड्राइविंग लाइसेंस बनने से पहले उसके हाथ में कार की चाबी थमा दी, वो भी पोर्श जैसी महंगी कार। क्या ये सब सही है? हालांकि केस की छानबीन हो रही है, पुलिस इसकी जांच कर रही है, सच तो सामने आ ही जाएगा। खैर मुद्दे पर आते हैं, लड़की देर रात तक बाहर क्या कर रही थी, चर्चा इस बात की करते हैं। इस तरह की सोच और ऐसे कमेंट्स करने वाले लोगों के लिए पूरा सीन क्लियर करना जरूरी है। बता दें अश्वनी कोस्टा मध्य प्रदेश के जबलपुर और अनीश उमरिया के रहने वाले हैं। लोकल 18 ने अश्वनी कोस्टा के भाई से बातचीत की, सारे सवालों के जवाब वो खुद देंगे। वो एक्सीडेंट हुआ उसमें मेरी बहन थी और हमको रात में कॉल आया था, उसी के मोबाइल से आया था, उसके फ्रेंड्स ने किया था जो उसके साथ थे। 17th को ही हुई थी बात, वही उसने बताया था कि मेरी फ्रेंड आई है इंदौर से, उसके साथ डिनर पे जाएंगे। से फ्रेंड्स के साथ ग्रुप गया था पूरा, ये अपने फ्रेंड के साथ पहले निकल गई क्योंकि इनकी बाइक बाहर ही रखी हुई थी शायद, और बाकी की पार्किंग में रखी हुई थी। इन्होंने यू टर्न मारा और पीछे से ही कार ने आके डैश मारा, फिर उसकी वजह से उसको हेड इंजरी हुई और ऑन द स्पॉट डेथ हो गई। मगर फिर उसके बाद पता चला कि वो बहुत ज़्यादा स्पीड में कार चला रहा था और वो पोर्शे कार थी। लड़के नहीं, आदमी होते 17 साल के, उनको सब समझ में आता है आज के, पहले नहीं आता होगा मेरे को नहीं पता, मगर आज के दौर में 17 साल का लड़का 35 साल की उम्र के हिसाब से अपना ब्रेन रखता है, उसको सब पता होता है कि क्या होता है क्या नहीं होता। पुणे कार एक्सीडेंट केस में एक नया ट्विस्ट आया। गुरुवार को पुणे पुलिस ने नाबालिग आरोपी के दादा, उसके एक दोस्त और एक्सीडेंट के समय कार में मौजूद फैमिली ड्राइवर से पूछताछ की। इस दौरान ड्राइवर ने कहा कि आरोपी के पिता विशाल अग्रवाल ने उसे कार चलाने के लिए परमिशन दी थी। फिलहाल ब्लड सैंपल बदलने के आरोप में दो डॉक्टरों को गिरफ्तार किया जा चुका है। बता दें इस केस में आरोपी से एक एसए लिखवाया गया था जिसके बाद उसे जमानत दे दी गई। हालांकि इस पर बवाल हुआ, मामले ने तूल पकड़ा तो जुवेनाइल जस्टिस कोर्ट ने आरोपी की जमानत रद्द कर दी थी। हालांकि इस बीच सोशल मीडिया पर नाबालिग आरोपी के कुछ वीडियो भी वायरल हुए जिसके बाद केस और पेचीदा होता जा रहा है। आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और देखते रहें लोकल 18।